नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। श्री ठाकुर जी करते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी। श्री नारायण स्वामी जी महाराज 300 वर्षों पूर्व से ही श्री ठाकुर जी का रहा एक अपना अनूठा इतिहास। देश के कोने कोने से श्री ठाकुर जी से मन्नत मांगने आते हैं सैकड़ों श्रद्धालु। रोहतास जिला अंतर्गत काराका प्रखंड क्षेत्र के घरवास्ती मठ के श्री ठाकुर जी का एक अपना अलग अनूठा इतिहास रहा है। आपको बताते चले कि यह मठ एक गौरवशाली मठ के रूप में आज भी विद्यमान है। यह मठ लगभग 300 वर्ष पुराना है। इसकी जानकारी देते हुए इस मठ के मठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री नारायण स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह मठ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का एक अनूठा गौरवशाली मठ है। यहाँ पर देश के कोने कोने से जो भी श्रद्धालु सच्चे भक्तिभाव को लेकर एवं श्रद्धा के साथ कोई भी श्रद्धालु श्री ठाकुर जी से दर्शन करने हेतु आते हैं, श्री ठाकुर जी उन सभी श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी करते हैं। इस मठ में जो भी श्रद्धालु निराश मन से आते हैं, यहाँ से सभी श्रद्धालु श्री ठाकुर जी के आशीर्वचन से हंसते हुए जाते हैं। श्री महाराज ने कहा कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अनाथ होकर आए हैं, यहाँ से सनाथ होकर ही लौटे हैं। यहाँ पर अनाथ व अन्य इच्छुक छात्रों को निःशुल्क कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। इस मठ से शिक्षा ग्रहण कर सैकड़ों विद्यार्थी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पदस्थापित है। उन्होंने कहा कि जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी सहित अन्य महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में इस मठ के अनेकों छात्र उच्च पद पर पदस्थापित है, साथ ही साथ अन्यंत्र क्षेत्रों में विद्यालयों व महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर भी आसीन है। यह एक गौरवशाली मठ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस मठ में फल फूल के लिए विशेष पुष्प वाटिका एक पुष्करिणी विद्यमान है। साथ ही साथ इस मठ में गौशाला भी है जिसमें गौ माता की सेवा भक्तजनों के द्वारा निरंतर की जाती है। उन्होंने कहा कि इस मठ में प्रतिवर्ष कार्तिक व चैत्र के छठ महापर्व के दिन हजारों हजार की संख्या में व्रती की भीड़ लगती है। साथ ही साथ चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक महायज्ञ प्रतिवर्ष की जाती है, जिसमें आसपास के लोग शामिल होकर महायज्ञ की शोभा को बढ़ाते हैं। करते हैं जी। सुन, चलिए श्लोक सुनाइए तो संस्कृत का कोई भी। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवा स्वस्ति न भोगा स्वविदा स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधा प्रिकत स्वामरुता वृष्णि मातरा शुभम जावानु विदते कुजगमया अग्नि जीवमनवा सौरक्षक सौविश्वेनो अवसागमन्या वद्रं कर्णे वेत्रेण यम देव भद्रम वसे मा च बीजित्रा स्थिर दृष्ट्वागं सस्तनो विवर्यसे महि देवहितं यो सतमिन्न सारदो अन्ते देवा चित्राण शक्राचार संतनूनाम पुत्रा सपित्रो भवन्ति मानो मध्यारेरितयोरगन्तो अदितिद्यो रदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पञ्चजनमदितिर्जातनिसोम द्यो शान्तिरक्षकं कृतविशान्तिरावहान्तिरोकदय अन्तिर्वनस्पतय शान्तिर्बृहस्पति शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिरक्षकं पृथिवी शांति रामरेदी। चलिए अति मंत्र याद है, महामृत्युंजय मंत्र। हरि ओम गण मंत्र। नहीं नहीं महामृत्यु के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इतिहास यही है कि ये लगभग 250-300 वर्षों से पहले यह स्थान चला रहा है। यह स्थान अपने आप में है, इसका बहुत बड़ा गौरव है, प्रतिष्ठा है। क्षेत्र के लोग इसके प्रति बड़े लगन और रुझान के साथ क्या करते हैं, व्यवहार करते रहते हैं। महाराजा श्री का भी आशीर्वाद सबको बराबर प्राप्त होता रहता है। धर्मस्थल है, गाँव से अलग है, लगभग गांव से लगभग चारों तरफ 1 किलोमीटर लगभग गांव दूर है। यह धर्मस्थल है, यहाँ से अनेकों विद्यार्थी अनाथ होकर के सनाथ अनाथ विद्यार्थी सनाथ होकर के इस विद्यालय से निकले और बहुत बड़े बड़े पद पर जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत यहाँ के विद्यार्थी प्रोफेसर पद पर पदस्थापित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, रीवा रीवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अनेक हाई स्कूलों में क्या है कि यहाँ के विद्यार्थी हाई स्कूल आचार्य पद पर पदस्थापित हैं। यह अपने यह मठ अपने आप में एक गौरवशाली मठ है, बहुत बड़ा विशाल मठ है।
जबकि यह अपना स्थान है कि पूरे देश भर में रखता है। यहाँ बराबर धर्म कुछ न कुछ धर्म होता ही रहता है। बहुत बड़ा विशाल चैत्र मास शुक्ल पक्ष दसवीं से लेकर पूर्णिमा तक बहुत बड़ा विशाल प्रत्येक साल विशाल यज्ञ होता है। बहुत कैलाशिष यत्र तत्र से आकर के शिष्य भी बनते हैं। इसका बहुत बड़ा विस्तार है, शिष्य का बहुत बड़ा विस्तार है। महाराज बहुत बड़े यज्ञ हैं, ये सबको बराबर शिक्षा दीक्षा देते रहते हैं। यहाँ बहुत बड़ा पोखरा है, पुष्करणी है, बहुत सुंदर बड़ा विद्यालय है, सुंदर गौशाल है। मैंने यह मठ है अपने आप में अनोखा मठ है, प्रतिष्ठित मठ है। जन कल्याण के लिए इस मठ से क्या क्या कार्य किया जाता है? जन कल्याण के लिए बहुत कार्य किया जाता है। दान दिया जाता है, पुरस्कार किया जाता है, अनाथ है विद्यार्थियों को दर्शनाथ किया ही जाता है। मठ के माध्यम से बहुत कन्याओं को जो महाराज श्री के माध्यम से विवाह आदि में सहयोग किया जाता है। और क्या कुछ कहना चाहते हैं बोलिए।